बम बम भोले, एक दो तीन चार स्वागत है आपको चैलेंज आइकन के एक नए चैलेंज भरा वीडियो में। भारत भ्रमण के 293 दिन के सफर में आपका भाई पहुंच चुका है केदारनाथ धाम, और आज हम शिव जी का दर्शन करने जाएंगे। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का मौसम तो अल्टीमेट है, और ये धरती भी, ये जगह भी पावन जगह है, पावन स्थल है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कितना पुराना है केदारनाथ धाम और किसने बनाया है ये मंदिर। केदारनाथ धाम ये कोई इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं है, ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है पांडवों ने जब महाभारत युद्ध जीता तो उनको भाइयों का हत्या का पाप लग गया, तो उसी पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने शिव जी का खोज किया। पूरे संसार में शिव जी का खोज किया, कहीं नहीं मिले शिव जी। एंड में वो लोग केदार पर्वत पहुंचे, वही केदार पर्वत जिस केदार पर्वत पे अभी मैं खड़ा हूँ, जिस केदार पर्वत पे केदारनाथ धाम बना हुआ है, शिव जी का मंदिर बना हुआ है। ये देख सकते हो मेरे पीछे शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ जब पांडव पहुंचे तो शिव जी नाराज हो गए थे पांडवों के भाइयों के पाप से, तो शिव जी ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। तो भीम को एक उपाय सूझा, भीम ने अपना आकार बड़ा कर लिया और दो पर्वतों के बीच अपना पैर जमा कर बड़ा आकार कर लिया। तो जितने भी भैंस थे वहाँ, वो भैंस सारे भीम के पैर के नीचे से गुजर गए। शिव जी तो थे भगवान, वो कैसे भीम के पैर के नीचे से जाते। भगवान शिव जिस भैंस का रूप धारण किए थे वो जाकर भीम के पैर को टक्कर मार दी। भीम ने उस भैंस का पूंछ पकड़ लिया, उसी टाइम पे आकाशवाणी हुआ और शिव जी पांडवों को दर्शन दिए और उनको उनकी पापों से मुक्त कराए। तो बाद में पांडवों ने शिव जी का मंदिर यहाँ पे स्थापन किया और केदारनाथ धाम बना। ये तो था महाभारत काल से जुड़ा हुआ इतिहास। काल से जुड़ा हुआ बात करें तो शंकराचार्य जी ने उसी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिस मंदिर का अभी हम दर्शन कर रहे हैं, ये शंकराचार्य जी ने बनवाया था। और यहाँ पर शिव जी का जो आकार है वो त्रिकोण के आकार का है। हम पूरे भारतवर्ष में गोल आकार का शिव जी का रूप दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको त्रिकोण के रूप में शिव जी का दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो आइए अब चलते हैं शिव जी का दर्शन करने के लिए। मंदिर और इतना लंबा लाइन है, 1 किलोमीटर तक ट्राई करते हैं, 1-2 घंटा, वरना 2100 रुपया देंगे तो जल्दी हो जाएगा, उतना तो है नहीं बजट आपका भाई का। गाइस केदारनाथ मंदिर में भोले बाबा का दर्शन करके तो आ गया, लेकिन यहाँ का सिस्टम बहुत ही खराब है यार। सिर्फ देख पाओगे, बाकी तो कुछ नहीं है, भीड़ भी बहुत है, लेकिन क्या करे, यहाँ पे पुजारी एक बंदे का मोबाइल खींच के ले गया और डाल दिया अंदर, कुछ ऐसा ही हो रहा है। पीछे वाला गेट है और यहाँ से ये जो देख रहे हो लाइन लगे हुए हैं, पंडित जी एक खड़े हैं, वो जो पंडित खड़े हैं, यहाँ से पैसों से एंट्री मिलता है और वो लोग जल चढ़ा पाते हैं, अंदर दर्शन करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम 3 घंटा लाइन लग के आए, हमारा कुछ नहीं। ये जो पत्थर दिख रहा है आपको, ये भीमशिला है। 2013 में जो आपदा आई थी, इस पत्थर के वजह से मंदिर जो है ढहने से बच गया था, बाकी आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स थे वो सब तो ढह गया, लेकिन इस पत्थर ने मंदिर की रक्षा कर दिया। तो तब से इस पत्थर की पूजा किया जा रहा है, साथ फोटोज ले रहे हैं। और ये देखो कैसा नाटक चल रहा है यहाँ पे।